दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिको पे। पेंशन, ईपीएस पेंशन और अन्य पेंशन से जुड़ा हुआ कई प्रकार के अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। पेंशन से जुड़े काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगा, और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। तो जैसा कि सभी को पता है कि बजट सत्र प्रारंभ हो चुका है, बजट जो है अनाउंस किया जा चुका है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला रमण जी द्वारा। उसके बाद जो कुछ अपडेट निकल के आ रही है उसमें सबसे पहला एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, निजी क्षेत्र के लिए अलग पेंशन ट्रस्ट की तैयारी है। तो आप सभी को बता दें, सरकार ने पेंशन फंड नियामक निकाय की भूमिका में सुधार के इरादे से PFRDA अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों से इतर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के जरिए पेंशन ट्रस्ट बनवाने की योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया PFRDA की भूमिका सरकारी कर्मचारियों के ट्रस्ट से अलग करने का विचार है। उन्होंने कहा कि PFRDA के नियामक भूमिका में मजबूती लाने की ज़रूरत है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट में ज़रूरी संशोधन किए जाएंगे। इसका मकसद है PFRDA के से सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS ट्रस्ट को अलग करना भी है। उल्लेखनीय है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट को सितंबर 2013 में पारित किया गया था और यह फरवरी 2014 में प्रभावी हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे सरकार के अलावा कर्मचारियों के जरिए भी एक पेंशन ट्रस्ट के स्थापित किया जा सकेगा। नौकरी के दौरान आसानी से खाते में परिवर्तनीयता में मदद के लिए सरकार चाहती है कि ऑटो एनरोलमेंट के जरिए यूनिवर्सल पेंशन कवरेज मिले। सरकार यह भी चाहती है कि किसी संचित कोष की सुरक्षा के लिए सावधानियां बरती जाएं और इस नेटवर्क की जानकारी का आसानी से लेन देन किया जा सके। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS का नियमन PFRDA करता है। NPS में केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के साथ ही निजी क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का भी फंड होता है। इसके जरिए अटल पेंशन योजना का भी संचालन होता है। PFRDA के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2019 तक देश में NPS और AVYI के उपभोक्ताओं की संख्या करीब 3.912 करोड़ के पार हो गई है। इस प्रबंधन के तहत कुल जो है संपत्ति करीब 3.85 करोड़ रुपए की हो गया है। तो निजी क्षेत्रों के लिए अलग पेंशन ट्रस्ट बनाने की जो है सरकार की पूरी जो है कदम उठाने की इनकी पूरी प्रयास है इस बार। अब ये सरकार जो है PFRDA को सरकारी कर्मचारियों के ट्रस्ट से अलग कर देगी। इससे क्या होगा कि पेंशन फंड एवं रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक्ट में संशोधन भी होंगे और वह जो है काफ़ी एक अच्छा जो है रिस्पांस आउटपुट देखने को उस समय मिलेगा अगर ऐसी जो है घटनाएं और ऐसे जो है क्रियान्वयन की जाती है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले अपडेट की तरफ। अगला महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहा है EPS95 पेंशनर्स के लिए, वो भी दिल्ली हाईकोर्ट से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/2/2020 का ये जो है अपडेट निकल के आ रहा है जिसमें कि डेट डिसाइड हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सारे पिटिशनर्स हैं, EPS95 का केसेस हैं। आप सभी को बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है केस वो 6/2/2020 के लिए लिस्टेड हो चुका है और वो फाइनल है। इस बार फाइनल डिस्पोजल आने के पूरे चांसेस है सुप्रीम कोर्ट में, और इसी प्रकार दिल्ली हाईकोर्ट में भी देख सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ये सारे EPS के केसेस हैं जो कि अब लिस्टेड हो चुके हैं 17/2/2020 के लिए। 17/2/2020 की इसकी सुनवाई अब ये निश्चित हो चुकी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई थी जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 17/2/2020 में सुनवाई होनी है अब इसकी, और हाईकोर्ट से मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 6/2/2020 में, जो कि काफ़ी दिन अब नहीं बचे हैं, उसमें फाइनल डिस्पोजल आना है। अब देखना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो पेंशनर्स के पक्ष में फैसला देती है या उनके फेवर में या फिर उनके विरोध में, तो यह तो वक्त बताएगा। लेकिन पूरी उम्मीद की जा रही है कि जो है सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले जो फैसला था उसको संभावित रखेगी, उसको बरकरार रखेगी और पेंशनर्स को जो है हाई पेंशन की जो रास्ता है वो साफ करेगी।
बढ़ेंगे आज के अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। तो अगला महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल के आ रहा है वो नेशनल एजुकेशन कमेटी के हवाले आ रहा है, और वो ईपीएस पेंशनर्स के लिए जो है अपडेट निकल के आ रहा है। EPS95 पेंशनर्स के लिए यह अपडेट निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। आप देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन कमेटी के हवाले है, मैं आप लोगों के साथ वो साझा कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के हवाले में आपको ये अपडेट दे रहा हूँ, और इसमें सोशल मीडिया के हवाले क्लियरली मेंशन किया गया, वी आर होपफुल अबाउट द फेवरेबल डिसीजन ऑन अवर लेजिटिमेट डिमांड्स बाय द गवर्नमेंट, स्पेशली अवर आफ्टर अवर सक्सेसफुल मीटिंग विद ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑन 21 दिसंबर एंड 27 जनवरी। वी गेव द गवर्नमेंट टाइम टिल 15th Feb। वी आर श्योर द गवर्नमेंट विल कंसिडर अवर डिमांड्स विद ड्यू कंप्रेशन। तो यहाँ पर इन्होंने जो है नेशनल इलेक्शन कमेटी के हवाले यहाँ पर फोटो भी साझा किया गया, ये आप देख सकते हैं। ये 405 दिन जो है संपन्न होने के बाद ये फोटो भी साझा किया गया है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमको पूरी उम्मीद है सरकार जो है ये हमारी जो मांगे हैं उसे 15 फरवरी तक पूरा करेगा। ऐसा लिखा गया है कि 15 फरवरी तक का जो है टाइम सरकार को दिया गया है, क्योंकि आप सभी को बताया कि 11 फरवरी बजट का जो है आखिरी समय रहेगा, और उससे पहले पहले पूरी उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में जो है बजट के में जब भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का आएगा टाइम, तो वो ज़रूर इस पर बताएंगे कि वो पेंशन में कितनी परसेंट का वृद्धि कर रहे हैं। ये वक्त उनका उस समय पता चलेगा। कुछ बातें जो पेंशनर्स की निकल के आ रही है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इसमें क्लियरली देख सकते हैं आप यहाँ पर, इस निर्लज्ज सरकार ने ईपीएस पेंशनरों के ऊपर कुठाराघात किया है। संसद से में सांसदों को पेंशनर्स संगठन के नेताओं को मजदूर महासंघ नेताओं को बार बार आश्वासन दिया गया कि इस बजट सत्र में पेंशनरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। मीडिया के चैनलों ने, प्रिंट मीडिया ने, सबने यह प्रसारित किया कि इस बजट सत्र में पेंशन की बढ़ोतरी बढ़ने वाली है। किसी अखबार ने 6000 मासिक पेंशन की मोटी हेडिंग भी छाप गई। बुजुर्ग पेंशनर्स को आश्वासन हो गया कि इस बार हमारी टेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से धोखा दिया है, सरकार निर्भयता की हद पार कर दी है। अब बुजुर्ग पेंशनर्स को इस सरकार को उखाड़ फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर, सभी मजदूर संगठन के पेंशनर्स को, संगठन को इस बजट सत्र में इस सरकार को घेर कर पेंशन बढ़ाने का एक अवसर और है। इस संबंध में मैं अशोक राव जी एवं प्रकाश इंडेजी निवेदन करूंगा कि आप सभी एक की बैठक दिल्ली में अवश्य बुलाएं, और सारे पुराने गिले शिकवे छोड़कर पेंशनर्स के हक में एक बनाकर एक बड़ी लड़ाई खड़ी करके इस मुकाम तक पहुंचने का आशा है। सभी संगठन से मेरी गुजारिश है, गुजारिश पर ध्यान दें। धन्यवाद। अश्विनी पांडे, EPS95 फेडरेशन, गोरखपुर, ये उनका मोबाइल नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बातें निकल के आ रही है, ये पेंशनर्स की काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि हर एक प्रिंट मीडिया, हर एक न्यूज़ चैनल जहां पर क्लियरली मोटे मोटे हेडलाइंस थे जिसमें मेंशन किया गया था कि जो पेंशन है वो इस बार बढ़ने के पूरे आसार हैं। चाहे हम किसी भी प्रिंट मीडिया की बात करें, चाहे वो आज तक हो, जागरण हो, या फिर अन्य जो भारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर थे, उनके हेडलाइंस वो क्लियर थे कि इस बार पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं उनके द्वारा। बढ़ेंगे इस वीडियो के हम आखिरी कमेंट सेक्शंस में से, आखिरी कमेंट को एक बार और इसमें लेंगे, और उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रभात जी लिखते हैं कि आई बिलीव वी विल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ ₹9,000 करोड़ इज अलॉटेड फॉर सीनियर सिटीजन, प्लीज़ वेट एंड वॉच। तो इन्होंने जो है लोगों से वेट और वॉच करने का जो है निवेदन किया हुआ है, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि 9,000 करोड़ रुपए जो अलॉट हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट जो है ईपीएस पेंशनर्स को भी मिल सकता है, ऐसा मानना है। क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन सभी का जो उनका डेट्स जो है, जिस समय वो अलॉट करेंगे, जिस समय वो अनाउंस करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, चाहे हाई पावर मॉनिटरिंग का हो, हाई पावर एम्प्लॉयमेंट मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट्स के हो, या अन्य जो रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट्स वो अपने अलॉटेड डेट के ऊपर ही, इसके ऊपर पूरी जानकारी
पेंशनर्स को प्राप्त हो पाएगी। तो ऐसा उनका मानना है कि आई बिलीव वी विल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ ₹9,000 करोड़ अलॉटेड फॉर सीनियर सिटीजन, प्लीज़ वेट एंड वॉच। तो कृपया वेट करिए और देखिए। तो दोस्तों आज के हालांकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सभी कमेंट्स को समावेश करना मुमकिन नहीं है समय की तकाजा को देखते हुए। आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। मैं आशा करता हूँ ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। आप क्या राय रखते हैं, अपने राय अवश्य ही हमें कमेंट में बताइएगा। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि भविष्य का आने वाला हमारा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। इसी तरह सटीक इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन कंटेंट के साथ हम आप लोग के लिए लेके अवेलेबल रहते हैं, पूरी विश्लेषण देते हैं, पूरी जानकारी आप लोग तक पहुँचाते हैं। कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ जो है आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो सके और पूरी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सके सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं थोड़ा वीडियो लंबा रहता है लेकिन बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ अवेलेबल रहता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई अपडेट नई जानकारी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।